क्या मदद की है आपने लॉकडाउन में? माननीय मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने आह्वान किया था कि लॉकडाउन में अपने घरों में सुरक्षित रहें और कोरोना जैसी महामारी से हमें लड़ना है। इसके बावजूद भी हमें उस वर्ग का भी ख्याल रखना है जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है। आज ऐसे हजारों परिवार इस देश में हैं जिनके पास रोटी की समस्या खड़ी थी। माननीय नड्डा जी ने कहा था कि केवल 9 लोगों को खाना खिलाना है। हमने प्रतिदिन 250-300 भोजन के पैकेट बनवा कर ललितपुर जिले के आखिरी छोर तक पहुँचे हैं। हम जहाँ से भी यहाँ पर फोन से सूचना आई, चाहे नेहरू नगर हो, चाहे गांधी नगर हो, चाहे गोविंद नगर हो, चाहे लेड़िया हो, चाहे बंदा के पास की कॉलोनी हो, यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग निवास करते हैं और सैकड़ों बच्चे इसमें रहते हैं। इनके बीच में हम गए, चाहे बूचा से सूचना आई हो, चाहे खुरा से, चाहे दैलवाड़ा से सूचना आई हो, किसी भी गांव से सूचना आई हो, चाहे मसौरा से सूचना आई हो, चाहे जुगपुरा से, कहीं भी सूचना जैसे यहाँ पर फोन से आई, हमने तत्काल हम करीब 2.5 दिन से भोजन के पैकेट बना कर रखते थे तैयार। यहाँ से सूचना आई, हमारे उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल एवं जैम्बे रक्तदान समिति के हमारे साथी तुरंत ही उस मुकाम पर पहुँचते थे। दीपक राठौर और मेरे कुशल नेतृत्व में बहुत अच्छी टीम खड़ी थी। इस टीम ने जाकर लोगों का अभिनंदन किया, वंदन किया, उन्होंने भोजन कराया। जब सरकार ने घोषणा की कि पका हुआ भोजन नहीं बांटना है, तब ऐसी स्थिति में हमने पिछले 3 दिन से भोजन के मतलब खाद्य सामग्री तैयार की। उसमें आटा, घी, नमक, तेल, शक्कर, दाल, चावल, सब्जी, मिर्च मसाले सब रखकर हमने जरूरतमंद तक भेजा है। अभी हाल ही हम वहाँ से आए हैं, कल भी हमारी निरंतर ये सेवा जारी रहेगी। अगर जन साहब लॉकडाउन बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे? यानी देश भर में लॉकडाउन जितने दिन भी बढ़ेगा उतने दिन भी अपनी सेवा जारी रखेंगे। हम उन लोगों के पास पहुँचेंगे जिनके पास भोजन की कमी है, जो भोजन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हम यह सामग्री, खाद्य सामग्री बांटेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौंकाने वाले निर्णय लिए जाते हैं। अब जो बात हो रही है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है, कितना कारगर सिद्ध हो रहा है लॉकडाउन? लॉकडाउन से ही लाभ हो रहा है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो संख्या लाखों पहुंच जाती। जनता को भी ललितपुर तो इस श्रेणी में है, भगवान की कृपा से यहाँ पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। सभी धर्मों का यहाँ पर मानने वाले हैं, उनकी सभी धर्मों की आस्था से, चाहे यहाँ पर हमें तमन सरकार हनुमान जी हों, चाहे अभिनंदन हों चित्तपाल जी मंदिर हों, चाहे बड़ी माता हों, चाहे बाबा सरन शाह हों, चाहे गुरुद्वारा साहब हों, यहाँ पर चारों दिशाओं में तला पर बड़ी देवी, छोटी देवी, ललितेश्वरी देवी हमारे शहर के आखिरी कोने विराजमान है। शहर की सीमा पहले ललितपुर की नदी पार थी, उस सीमा पर मैया जी विराजमान है, उनकी मैया की कृपा से। और यहाँ अभिनंदन भगवान, तुमन सरकार, सरन साहब बाबा, इन सब की कृपा से ललितपुर में एक भी मरीज कोरोना का नहीं मिला। यहाँ पर कुछ लोग जमात के आए थे लेकिन ईश्वर की कृपा से उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। ललितपुर के लिए बहुत बड़ा गौरव है। और यदि लॉकडाउन बढ़ता है फिर भी हमारी सेवा जारी रहेगी। अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो तमाम समाज सेवी संस्थाएं और जो समाज सेवा में लगे हुए हैं लोग हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि जो इस समय वो कर रहे हैं वो लगातार करते रहेंगे। गरीब, असहाय, विधवा लोगों की मदद लगातार करते रहेंगे, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते रहेंगे। जिस प्रकार से सरकार की गाइडलाइंस आई है कि अब पक्का खाना नहीं दिया जाएगा, कच्चा खाना ही दिया जाएगा, तो खाने का जो सामान होता है, सामग्री जो है, उसको देने के लिए तैयार हैं और लगातार 3 दिन से दे भी रहे हैं। तो यह जो अभी आप अजय कुमार जैन को सुन रहे थे, अजय कुमार जैन का स्पष्ट कहना है कि अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है राष्ट्र हित में ध्यान देकर, तो वो उसका स्वागत करेंगे और जो बनेगा वो अपनी समाज के लिए, हमारे ललितपुर वासियों के लिए करेंगे। अजय जैन साइकिल द्वारा लगातार 20 दिन से खाना सामग्री वितरित की जा रही है, खाना भी, पक्का खाना भी वितरित किया जा रहा है और उनकी पूरी टीम
उनके साथ लगी हुई है और निरंतर इसी प्रकार से लगे रहेगी, चाहे वो शहर हो चाहे गांव क्षेत्र हो। गांव क्षेत्रों में भी जाने की कोशिश की गई है और जो फोनों के माध्यम से उनसे जानकारी दी गई कि उन्हें खाने की समस्या है, उन्हें सामान व्यवस्था होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ जाकर अपने हाथ से कई लोगों के लिए खाना भी खिलाया और उनके दुख दर्द में साथ में आए। कई लोगों के लिए पैसे की मदद भी की है, बर्तनों की मदद की है, तमाम प्रकार की मदद करने के लिए अजय जैन साइकिल वाले खड़े रहें और ऐसे ही लगातार करते रहेंगे। सभी से एक बार निवेदन है, घर पर रहें, घर पर रहें, घर पर ही रहें और कोरोना वायरस की जंग में योगदान करें।